अयोध्या में एक कार्यक्रम के दौरान खादी ग्राम उद्योग एवं मध्यम अध्ययन मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने उन दिनों को याद करते हुए कहा कि हम विधायक के रूप में मंदिर आंदोलन की कार सेवा में शामिल हुए थे और जब वापस गए तो पूर्व विधायक हो गए थे। 5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास होने के बाद अब जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के बाद रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप यही नहीं रुकते, आगे कहते हैं कि इस कार्यक्रम में हमारे अलावा कैबिनेट के कई चेहरे इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और रामलला का उनके भव्य मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इस दौरान वहां फूलों की वर्षा होगी और पूरी अयोध्या रोशनी से जगमगा रही होगी। अब अयोध्या की धार्मिक नगरी के साथ आर्थिक नगरी का बनने का प्लान भी जान लीजिए। अयोध्या में छोटे और कुटीर उद्योगों को विकसित करने के लिए लोगों को रियायती दर पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। छोटे छोटे उद्यम विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। अयोध्या आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के मद्देनजर भी नए रोजगार और उद्योग विकसित किए जाएंगे। इसीलिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार गोयल अयोध्या के धार्मिक नगरी के साथ आर्थिक नगरी बनने का दावा करते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार के दीपोत्सव में 21 लाख दीपों का नया रिकॉर्ड बनाने का ऐलान किया है। ऐसा इसलिए भी है कि रामलला के अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने के पहले का यह आखिरी दीपोत्सव है। 2024 के दीपोत्सव के समय रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, लिहाजा यह दीपोत्सव इस बार के दीपोत्सव से भी भव्य होगा। अयोध्या के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। ये कदम है श्री राम को अयोध्या के विकास का ब्रांड एम्बेसडर बनाना। चौकी नहीं, ये दावा है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष का। वे कहते हैं कि आने वाले दिनों में अयोध्या में खादी प्लाजा बनाया जाएगा। इस खादी प्लाजा में खास तौर पर हाथ से बने हुए उत्पादों और सामानों की प्रदर्शनी और बिक्री की जाएगी। इनसे ऐसे उत्पाद बनाने वाले कारीगरों को एक बड़ा मार्केट उपलब्ध होगा, जिससे उनको अपने उत्पाद बेचने के लिए भटकना नहीं होगा और आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रभु श्री राम की इस नगरी में अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर बनने जा रहा है। तब केवीएसी अध्यक्ष के रूप में पूरे कमीशन की तरफ से आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में अयोध्या धर्म नगरी के साथ साथ उद्योग नगरी बनने जा रही है। बिल्कुल, हम लोग तो एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते विधायक के रूप में यहाँ आए थे, कार सेवा की थी, पूर्व विधायक बन के चले गए थे। आज प्रभु राम का भव्य मंदिर बनना प्रारंभ हो गया है। 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास हुआ था, हम भी और उसके साक्षी थे और आगे भी जब 2024 में और अपनी मकर संक्रांति के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा उसमें होगी और हमारे देश के जैसे प्रधानमंत्री जी आएंगे, मुख्यमंत्री जी आएंगे और मेरी कैबिनेट भी, मैं भी उसमें उपस्थित रहूंगा और अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा कि मुझे वो दिन देखने को मिला है जिसके लिए 500 साल से हमारे हिंदू समाज इस पर संघर्ष कर रहे थे और वो सारी चीज़ों को हम लोग करने का हम लोग का सौभाग्य प्राप्त होगा। वो दर्शन उस दिन करेंगे और फूलों की वर्षा होगी, सारी चीज़ें होंगी, यहाँ पूरा अयोध्या जगमगाएगा। उस दिन हम लोग भी यहाँ आके भगवान प्रभु के राम दर्शन करेंगे। प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा भव्य दिव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तब केवीआईसी आने वाले समय में यहाँ एक खादी प्लाजा बनाने की तरफ अग्रसर है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अयोध्या की इस नगरी को आने वाले समय में खादी प्लाजा अवश्य मिलेगा। खादी प्लाजा में जितने भी हमारे आर्टिजन भाई बहन हैं उनके जितने हाथों से बने हुए उत्पाद वो उस खादी प्लाजा में होगा, जिससे उनकी मेहनत को हर कोई, हर हाथ को काम, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, उनके मंत्रों से बने हुए ये जो उत्पाद हैं उन उत्पादों का बिक्री का काम उस खादी प्लाजा के माध्यम से करेंगे। प्रभु श्री राम जी हम सबको पल पल आशीर्वाद देते हैं, वो हर पल हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं और उनके आशीर्वाद से आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर अयोध्या नगरी के लिए काम करेंगे। बिल्कुल, अरे हमारा अयोध्या भगवान प्रभु राम का जन्म स्थल है और जिस तरीके से भव्य मंदिर बनना प्रारंभ होगा उसी तरीके से अयोध्या देखिए आप दीपों की जगमगाएगी। हमारे कुमार बंधु ज़्यादा से ज़्यादा अपने दीपों को यहाँ सरकार को देंगे और ये दीप यहाँ पूरे अयोध्या को जगमगाएगा, जिसमें विश्व में मतलब ये संदेश जाएगा कि भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन गया।